आधुनिक भारत में मोबाइल एक ऐसी वस्तु है जिसे हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने में हजारों मील दूर बैठे अपने दोस्त, रिश्तेदार, परिचितों से आसानी से बात कर पा रहे हैं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि खुशी के माहौल में अचानक मोबाइल की घंटी बजती है और किसी के एक्सीडेंट, मौत जैसी बुरी खबर सुनने को मिल जाती है। हालांकि इसी प्रकार हमें मोबाइल पर अच्छे समाचार भी सुनने को मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोबाइल पर अच्छा और बुरा समाचार कब सुनने को मिलता है? अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं। ज्योतिष शास्त्र में पंचांग के अनुसार 9 प्रमुख ग्रह माने गए हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। यही वो 9 ग्रह हैं जो मिलकर हमारे जीवन में अच्छे और बुरे प्रभाव डालते हैं। अच्छे एवं बुरे समाचार प्राप्त होना भी इन्हीं ग्रहों की वजह से होता है। मध्य प्रदेश के खरगोन में रहने वाले विद्वान ज्योतिषी गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर बसंत सोनी ने लोकल एटिन को बताया है कि 9 ग्रहों में शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसकी वजह से आज मोबाइल का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि शुक्र की महादशा में मोबाइल भारत में लॉन्च हुआ था। हालांकि अच्छे कामों के लिए मोबाइल भारत में लाया गया था, परंतु इसका बुरा प्रभाव ज्यादा हुआ है। वो इसलिए भी क्योंकि शुक्र ग्रह अपने आप में एक विलासिता का कारक ग्रह माना जाता है। मोबाइल की शुरुआत अच्छे काम के लिए हुई थी, लेकिन शुक्र अपने आप में एक विलासिता का कारक ग्रह है और इसके अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव पड़ते हैं। मोबाइल के ऊपर बुरा समाचार कब सुनने को मिलता है, इस पर हम विचार करेंगे। तो जो मोबाइल पर बात कर रहा है, उस जातक की कुंडली के अंदर बुध ग्रह या बुरा ग्रह 6वें, 8वें या 12वें स्थान पर जब बैठा होता है, जब बुरा समाचार सुनने को मिलता है, जैसे किसी का एक्सीडेंट, किसी का मृत्यु, इस प्रकार के बुरे समाचार उस समय सुनने को मिलते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि मोबाइल पे खुशखबरी कब मिलती है, तो खुशखबरी के बारे में हम देखेंगे। 11वां स्थान, 3रा स्थान और 9वां स्थान जो होता है वह शुभ समाचार प्राप्त करने के लिए होता है। उस स्थान पर शुभ ग्रह बैठते हैं तो शुभ समाचार प्राप्त होते हैं। लोकल 18 के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।